मऊ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा नसबंदी के बाद भी दो महिलाएं गर्भवती हो गई हैं। आपको बता दें कि 4 साल पहले जिला चिकित्सालय में एक महिला ने नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन इसके बावजूद महिला गर्भवती हो गई है। वहीं महिला के पति का कहना है कि गरीब होने के कारण वो बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भरपाई करे। यहाँ पे 4 साल पहले हम ऑपरेशन करवाए थे और जो है कि बच्चा होने को है, ये 9वां चल रहा है महीना। हाँ, नसबंदी करवाए थे। कौन किया था? माधुरी सिंह। इसकी शिकायत लापरवाही तो है डॉक्टर की? हाँ, लापरवाही है, तभी तो। क्या चाहते हैं डॉक्टर पे कार्रवाई, किस तरह से जो है इस तरह की गलती किया दोबारा किसी के साथ ना हो? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि मतलब ऐसा काम दोबारा किसी के साथ ना हो। मई जिले के घोसी ब्लॉक के कस्बा क्षेत्र के कपवा मोहल्ले के रहने वाली एक महिला भी नसबंदी कराने के बाद गर्भवती हो गई है। ऑपरेशन वाले पे बच्चा हो गया। नसबंदी? हुँ, हुँ। क्या हुआ था? नसबंदी कब हुआ था? 2015 का। कौन किया था? सिद्धकीरा। कहाँ पे? घोसी हॉस्पिटल में। नहीं, ये तो ऐसा है कि इंडेमनिटी स्कीम होती है, ये सरकार की स्कीम में इस तरह का है कि अगर कोई इस तरह होता है तो उसको जो उसका पैसा होता है कंपनसेशन दिया जाता है। जो नसबंदी की सामान्य प्रक्रिया है उसमें शामिल है, और जो भी फार्म भरते हैं उनकी कंसेंट ली जाती है कि ऐसी घटना हो सकती है, और फेलोर नॉर्मल कंडीशंस में भी 4-6% का फेलोर हो सकता है। तो क्या कंपनसेशन है उनके लिए? 30,000 रुपये। हालांकि मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जब कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो उसके लिए सरकार के तरफ से 30,000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया गया है। वहीं परिजनों को बच्चे के पालन पोषण की चिंता सता रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।